पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को हम बाहर के नजर आते हैं और घुसपैठी उन्हें अपने नजर आते हैं। उनकी इसी तुष्टीकरण की नीति ने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही बंगाल में सीए लागू करने की बात कह चुके हैं। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार बनते ही पहला फैसला सीएए लागू करने का होगा। सभी घुसपैठिए बंगाल की धरती से बाहर होंगे। गैंग वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, पर आने के बाद पहली कैबिनेट में पता है क्या निर्णय होने वाला है? हमारे माननीय अमित शाह जी ने कल परसों घोषणा पत्र जारी किया, तो उनने कहा कि पहला निर्णय होगा कि सीएए पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। अब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बड़े परेशान हो रहे हैं। सीएए लागू होने की खबर सुनी तो वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण वो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं, भय फैला के राजनीति करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, बस यही दो बुनियादी फर्क है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, हम इनको बाहर के नजर आते हैं, हमको बाहर का गुंडा कहती है, और इनको घुसपैठ ये घर के नजर आते हैं, अंदर के नजर आते हैं, हिंदुस्तान के लोग बाहर के नजर आते हैं। ये कैसी सोच है इनके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी दीदी? ये तुष्टीकरण की राजनीति मित्रों देश के लिए घातक है।